सच में गुड मॉर्निंग हो गई है बिकॉज मुझे देखने मिला है पिकॉक्स के अंडे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे इंशाल्लाह, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। वट एवर द सिचुएशन इज़, ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह इट विल ऑलवेज इंक्रीज यू, नॉट डिक्रीज यू इंशाल्लाह। मतलब आपकी जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, इंशाल्लाह ताला आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो वो अपने आप जो है ठीक होते जाएगी, आपको खुद को अच्छा लगेगा और आपको दिल में भी अच्छा लगेगा कि इतनी तकलीफ़ के बावजूद या वट एवर द सिचुएशन इज, चाहे आप कितना भी खुश है, चाहे कितने भी दुखी है, बट ऑलवेज से अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ ऑल वट आई वॉन्टेड टू से एवरीवन। सो आज जो है मेरा दूसरा ब्लॉग है, मुझे यहाँ पर आकर 7 to 8 days हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट यू नो काफ़ी चीज़ें मुझे सेटल करनी थी, और क्योंकि मैं 2 months मुंबई में रहकर आई और बहुत सारे काम पेंडिंग थे, बिकॉज यूट्यूब जो है थोड़ा सा काम में था यूट्यूब एंड इट वॉज विद द मैनेजर। सो यू नो मुंबई के व्लॉग सारे हो जाए, उसी पे एडिटिंग का काम चालू था, सारे काम चालू थे, और फिर आई वॉज एन्जॉइंग मैंगोज, ट्रस्ट मी, यहाँ इतने सारे मैंगोज आए हैं हमारे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सो ऑल डे आई एम जस्ट हैविंग मैंगोज, कभी मैंगो जूस, कभी यू नो ऐसे ही जस्ट यू नो मैंगो खा रही हूँ। सो बस मैंगो खाना, व्लॉग एडिट करना, यही मेरा काम अब इतने 7-8 days में था, एंड आई एम यू नो गिविंग मिस्टर खान ऑल्सो सो मच ऑफ मैंगो जूसेस, तीन से, क्योंकि इतने सारे आमना फ्रेंड्स आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखे होंगे, बट आप लोग ने शायद 2-4 trees ही देखे मैंगोज की। टोटल आई थिंक 7 to 8 trees है फार्म पर मैंगोज की, कैन यू ऑल बिलीव, और एक ट्री पे कितने सारे मैंगोज होते हैं। सो दो ट्री तो मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने 2 ट्री के जितने भी पूरे जितने भी मैंगोज आते हैं लाइक 1000 kg या पता नहीं कितने होते हो गए, सो या फिर शायद उससे भी ज़्यादा, तो वो सब जो है सेल कर दिए बिकॉज खाने वाला कोई नहीं है। तो इट्स मी, मिस्टर खान, माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ एंड मेरी पर सासू माँ, आई थिंक यही बोलेंगे ना, मिस्टर खान की दादी, ओके दादी सास, सॉरी दादी सास। तो वी आर जस्ट ओनली पीपल हैविंग मैंगो। सो अभी भी बहुत बहुत पूरा जो फ्रिज है ना, पूरा रेफ्रिजरेटर पूरा मैंगो से ही फिल हो चुका है, और इतने सारे मैंगोज पड़े, मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाती हूँ, गिव मी अ मोमेंट। दीज ऑल आर देसी मैंगोज, जो बिना दवा के पकते हैं, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग्स में भी देखे होंगे। ये पता है ये ग्रीन दिखते हैं बट आपको पता है ये अंदर से इतने ज्यादा स्वीट, इतने ज्यादा परफेक्ट मैंगो कलर, द ऑरेंज कलर। सो अभी हम जो है, इफ यू ऑल वांट आई कैन जस्ट ओपन 1 piece एंड शो यू ऑल, बट हाँ मैंने लास्ट व्लॉग में मिस्टर खाना दिखा चुके हैं कि दिखते हैं ग्रीन बट होते हैं कितने ज़्यादा यामी। सो अभी मैं आई हूँ बाहर बिकॉज माई मदर इन लॉ शी इज़ आस्किंग मी कि यहाँ पर फार्म पर जो है काम चल रहा है तो आप अपना जो है वीडियो बना सकते हैं, तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ अभी। बिटवीन माउंटेन्स अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम बिटवीन माउंटेन्स, बिटवीन ग्रीनरीज, यू नो बिटवीन नेचर, एंड आई फील सो ब्लेस, सो ब्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, नो पॉल्यूशन, एवरीथिंग इज सो प्योर। सी दिस इज द मैंगो ट्री एंड दैट वन इज द मैंगो ट्री, दिस वन आई थिंक, या 1, 2 एंड योर द
दिस वन इज द मैंगो ट्री। ओके सो हम चलते हैं आगे। सो अभी जो सीजन है वो मैंगोज का है और जामुन का है। बहुत 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 सारे जामुन आए हैं और बहुत सारे मैंगोज। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एंजॉयिंग मैंगोज एंड जामुन। जामुन इज़ व्हाट आई हैव टू शो यू ऑल। सो अब घर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बट ऑब्वियसली जो ट्रीज पे से मुझे थोड़े से प्लक करना पड़ेंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जामुन फ्रेश प्योर। दिस इज द हाउस फॉर द गरासी पीपल, फॉर द आदिवासी पीपल, सॉरी आई मीन दे स्टे हियर, आई मीन द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन फार्म्स, यू नो, फॉर प्लांटिंग एंड एवरीथिंग एंड अ लॉट ऑफ वर्क। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज इट्स जस्ट बीन ओनली 4 to 5 years। मुझे सिर्फ 4 से 5 साल हुए हैं यहाँ पर, मतलब मेरी शादी हुई है और उसमें से भी आधा वक्त मैं मुंबई में ही रही हूँ। सो आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह नाउ, यू नो, विद टाइम। ऑब्वियसली दुनिया में आके ही हम सब कुछ सीखते हैं। सो इंशाल्लाह विद द टाइम मैं सारी चीज़ें समझूंगी इंशाल्लाह। एंड मम्मा इज स्माइलिंग, शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, आई ट्रस्ट मी, आई लव हर सो मच। I don't ever feel like that she is my sasuma. I feel like she is my mom. And obviously I stay like her daughter. So देखिए यहाँ पर ये काम चल रहा है और ये है, देखिए look. So ये चल रहा है इसका काम harvesting का। सो यहाँ पर अब जो है पीनट्स को हार्वेस्टिंग किया जा रहा है और किसको नहीं पसंद है यार पीनट्स स्नैक्स के टाइम पे। एंड ऑब्वियसली ऑयल यूज़ करने के लिए भी पीनट्स का यूज़ किया जाता है, मोस्टली ऑयल्स होते हैं एंड देन पीनट्स, पीनट बटर स्नैकिंग के लिए, यू नो। देखिए ओके सो यहाँ पर सारे वर्कर्स जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड एज आई सेड माई मम्मा शी आस्क्स मी टू कम, माई मदर इन लॉ शी आस्क्स मी टू कम हियर एंड शो इन द वीडियो, सो हियर आई एम। सो अब चलते हैं हम थोड़ा वर्कर्स के पास, उनसे बात करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा उनको सब पता। यहाँ इसको कहते हैं मुखफली, ऐसे कुछ कहते हैं मुखफली। सो इसी का काम चल रहा है यहाँ पे, देखिए कितनी सारी जो है निकाल कर ज़मीन से रखे हैं। आई विल जस्ट गो एंड यू नो हार्वेस्ट प्लक फ्रॉम द ग्राउंड इंशाल्लाह। सो चलते हैं आगे। सो लुक दीज आर द वर्कर्स वर वर्किंग और ये है इनकी छोटी सी, क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, दातेड़ा, तलवार। ओके दिस इज कॉल्ड दातेड़ा और ये इनको है ना घास काटने के लिए काम आता है। इवन आई ट्राइड। चलो चलते हैं आगे। देखिए ये सब इस पे पैर नहीं रख सकते, ध्यान से वॉक करना पड़ेगा। ये इनका बच्चा है, ये पानी ये लोग यहाँ रखते हैं पीने के लिए। लेट्स मीट भारती। भारती कैसे हो? तो यहाँ पर जो है पीनट्स का मूंगफली का काम चल रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है और दीज आर द वर्कर्स, दे आर वर्किंग सिंस मॉर्निंग। कितने बजे से आप लोग काम कर रहे हो? दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, थोड़ा बहुत शायद से। हाँ भारती आप कितने बजे से काम कर रहे हो? ओके और कितने बजे से कर रहे हो? सुबह 8 बजे से। अच्छा देखिए, और क्या नाम है इनका? जवाब भाई बात करेंगे, दिखाइए क्या कर रहे हो आप। इनको वीडियो में बात करने शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, अभी मैं आई हूं ना, आप लोग की आदत हो जाएगी बात करने की।
अच्छा ओके, सो जो ट्रैक्टर आएगा उसमें इसको जो है क्लीन किया जाएगा, इनका कहना है ये। इनका कहना है कि ट्रैक्टर आएगा उसमें। अच्छा क्या बोले? सो ट्रैक्टर आएगा उसमें जो है सारी पीनट जो है क्लीन होगी, उसके बाद उसको एक जगह जो है फिल किया जाएगा बोरी में, एंड देन फिर उसको सेल किया जाएगा मार्केट में। और ये जो आपका ये जो प्रोसेस हुआ, आप लोगों ने ये यहाँ पर ये ब्लॉक में मूंगफली उगाया भारती, कितने महीने हुए करके? तीन महीने हुए। ओके, तीन महीने हुए। और कैसा किए बताओ, कितना पानी डालना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, थोड़ा थोड़ी बताना, ताकि मैं भी मुझे भी सीखने मिले वीडियो में। अच्छा दिन में चार बार पानी डालना पड़ता था फुहारे से। ओके, फुहारा इज लाइक आई कांट कलेक्ट द वर्ड इन इंग्लिश, बट इट्स लाइक एक शावर काइंड ऑफ बोल सकती हूँ। तो वो पाइप्स लगे होते खेतों में और वो हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं। देखिए जैसे कि आई जस्ट शो यू ऑल, यू कैन सी देयर, यू नो ये बिल्कुल सामने है। ये एक ऐसे होता है, ऐसा पाइप टाइप्स होता है और इसको ऑन कर दिया जाता है एक ही जो है एक जगह से इसका जो है स्विच ऑन कर देते हैं, तो ये सब पूरे जो है खेतों में पानी आता है। और इनका कहना है कि दिन में चार बार, यू नो, चार बार जो है खेत में जो है पानी डालते हैं। और ये जो मूंगफली मम्मी उग रही है, तो इसमें दवा वगैरह यूज किए होगे ने? अच्छा, बिकॉज ये सेल करने के लिए है, तो ऑब्वियसली इसमें अगर आप कोई खातर वगैरह नहीं डालोगे तो प्रॉपर ग्रो नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली घर के खाने के लिए नहीं है, दिस इज फॉर सेलिंग। हाँ मम्मी, हाँ हाँ किधर है दिखा। ओके, ये बता रहे हैं कि कौन सा बर्ड है, उसने भी यहाँ पर जो है एग्स ले हुए हैं, अंडे दिए हैं, तो हम चलते हैं देखते हैं। वाओ 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 वाओ, दिस इज अमेजिंग, आई एम लविंग टू सी दिस। ये कौन से बर्ड का है अंडा, कौन से इसका है? मोर। वाओ, पिकॉक्स के अंडे है यहाँ पर, देखिए माशाल्लाह, ये है पिकॉक्स के अंडे मम्मी। ओके, सो देखिए इस तरह जो है जमीन से निकल रही है पीनट्स। भारती आप क्या कहना चाहोगे, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। मैं ओके अभी तो बातें कर रहे थे, अच्छी अच्छी बोलो बोलो। मफूड़ी वसुटन सुकाय तारे कढ़ाव सो थेसर मो। अच्छा थेसर मा कढ़ाई इन बोरियो भर सो सुखी कर सो तारे गंज मा जासे। हाँ 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 हाँ, ट्रैक्टर में क्लीन होकर फिर जो है बोरी पैसा आपसे तारे बीजो बीजवार लाई थी फेंकती वासो। अच्छा बराबर, ये पिकॉक्स के अंडे यहाँ पर। हाँ उन्हाड़ो में फूड़ ऐसे बरसात से बीजी लाओ। दिख रहा है भारती? हाँ, वो मस्त दिख रहा है। तो भारती मेरी वीडियो ले रही है और मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेनेट्स निकाल रही हूँ, मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, देखिए माशाल्लाह। अभी इस साइड तो सारी ग्रास है, आगे से लेते हैं। हटो मम्मी, हटो।
सो मुझे पता चला है कि मोहम्मद हसन रो रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ घर। उठ गए हसन सोकर। क्या अंडे कौन सी आए? क्या मोहम्मद? अंडे कौन सी आई मामे? अंडे अंडे पिकॉक के अंडे है बेटा। कौन मोहम्मद? चलो बेबी हसन, अल्लाह हाफिज। पानी आए, पानी आए। चलो चलो चलो। सो इस तरह यहाँ पर अब जो है पानी जाता है खेतों में। हसन चलो बेटा, हसन को आना नहीं है साथ में क्योंकि हसन को फिर से जाना है पिकॉक्स के अंडों के पास, एग्स के पास। हसन क्या हुआ बेटा, बोलो कहाँ जाना है आपको? पिकॉक जाना है। ठीक है, हम वापस जाएंगे दोपहर को। हाँ मोहम्मद, प्लीज मोहम्मद चलो। अस्सलाम वालेकुम। ओह, यू लुक सो गुड इन द वीडियो। And this is the cute baby. Hey baby, how are you doing? Seems you're doing fantastic. एंड लुक, आई एम योर टू सी कि पिकॉक यहाँ पर है कि नहीं। एंड देखिए वो जस्ट अभी उठ के भागा, अंडे पर ही वॉज सिटिंग यहाँ पर। जल्दी से बेबीज आया तो मुझे देखने मिले। तो आ जाओ पकड़ना मम्मी इसको। बेटा बाबा बदला लौटे पर दे हवी ले।